झांसी में आज स्वच्छता अतिक्रमण और प्लास्टिक संबंधी वस्तुओं को लेकर अनेक स्थानों पर एक अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य आम जनमानस को परेशानी न हो और यातायात बाधित न रहे को लेकर किया गया। इस अभियान से शहर में अतिक्रमण करने वालों पर हड़कंप मचा रहा। वहीं इस टीम के मुखिया ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य आम जनमानस को कोई परेशानी न हो और यातायात बाधित न रहे। और वहीं दूसरी तरफ जो सरकार ने पॉलीथिन डस्टबिन संबंधी अभियान चला रखा है उसका भी लोग ख्याल रखें। ये हम लोग अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहे हैं। यहाँ के दुकानदारों ने, बिजनेस करने वालों ने आधे रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे कि यातायात बाधित होता है, जन सामान्य को बहुत तकलीफ होती है। दूसरा, जो गंदगी ये कार्य करने के दौरान निकलती है तो ये डस्टबिन भी नहीं रखते हैं। इससे क्या है कि स्वच्छता की ग्रेडिंग में हमारा शहर जो है पीछे फिसलता जा रहा है आगे बढ़ने के बजाय। तो हम ये चाहेंगे कि लोग एक सर्टेन एरिया में रिस्ट्रिक्ट होकर के काम करें ताकि यातायात बाधित ना हो, जन सामान्य को तकलीफ ना पहुंचे। दूसरा, स्वच्छता जो है बरकरार रखें, दो डस्टबिन रखें, गीले कचड़े के लिए, सूखे कचड़े के लिए। थर्डली, पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। पॉलीथीन और थर्मोकॉल, पॉलीथीन जो 50 माइक्रोन तक थिकनेस का है वो शासन के द्वारा, कानून के द्वारा बंद किया गया है, वो प्रयोग ना हो। इस पर, इन तीन पॉइंट्स पे हमारा अभियान केंद्रित है और हम लोग एक महीना से एक रिटायर्ड फौजी लोगों का दस्ता है, मैं उसका प्रधान हूँ और भी लड़के हमारे साथ हैं। ईमानदारी पूर्वक हम ये करने में लगे हैं। आशा है कि शहर के लोग भी, जनमानस भी, काफ़ी सहयोग मिल रहा है और समझाने पे काफ़ी लोग बातों को समझ रहे हैं और धीरे धीरे मेरा विश्वास है कि लोग समझेंगे। और झांसी जो क्या कार्रवाई की है सर? अभी हम लोगों ने जो लोग बाहर काम कर रहे थे और ग्रीज वगैरह गिरा रहे थे, सड़क गंदी कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया है, उनको बताया है कि भाई उतने तक ही काम कीजिए जिसमें कि यातायात बाधित हो। अच्छा सर, कुछ लोगों ने समन शुल्क भी, समन शुल्क वो जब वो गंदगी फैलाते हैं और नगर निगम की ज़मीन से अर्निंग करते हैं तो उसके ऊपर उनको समन शुल्क देना पड़ता है। हम लोग देखते हुए अंदर जाते हैं पर जनरली वो काफ़ी रोड के आधे तक, तो एक वो फाइन है नॉमिनल जो लिया जाता है, जिससे कि एक डिटरेंट पैदा हो, एक ऐसी स्थिति पैदा हो कि लोग डरें कि भाई हमको ऐसा नहीं करना चाहिए।